मॉर्निंग, सुबह की चाय मैं पी चुकी हूँ और आज मेरे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुझे पता ही नहीं था ना सडनली पानी बंद हो जाएगा। अब बाहर पानी देने आएंगे तो हमारे घर में पानी आएगा, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बेसन को ना सूखा ही भून रही हूँ और जब इसको चला धीमी आँच पे इसको चलाना होता है। सरसों के तेल से तड़का लगा रही हूँ, जीरा लहसुन और हरी मिर्च डाल के तेल ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालना है और गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसको भूनना है। और मैंने दूसरी साइड ना गर्म पानी में इसको भी मिला लिया है और अब इसमें डाल देंगे। और आपको याद रखना है फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है क्योंकि लीची से लगना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने जब बाद में ना इसको परोसूंगी ना तो मैंने हींग का और मिर्च का तड़का लगा के इसको दे दिया। रोटी भी तैयार हो गई है। शाम के बज गए हैं इस समय 5:15। ऑनू आ गए हैं घर पे और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाय। और ठंडा बहुत हो रहा है आजकल, मैं पूरे टाइम ये लगा के रख रही हूँ कानों में क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन ना लापरवाही कर दी तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। और ये डाल ली हूँ मैं अपनी तुलसी की पत्ती, सेहत के लिए भी अच्छी है स्वाद के लिए भी। हम लोग चाय पी के फिर मिलते हैं। बना रही हूँ सॉक्स और जो कि मुझे बुराई नहीं आती है लेकिन मैं सीख सीख के बना रही हूँ। भाभी लोग बनाती हैं उनसे पूछ पूछ के और ज़्यादा बुनाई तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे वैसे बुनाई की जो होती है ना डिज़ाइन डालना नहीं आता है तो वो सीख रही हूँ, बना रही हूँ। देखो होपफुली बन जाए। अब आप कैसे हो? तभी आपने पढ़ाई की क्यों? तो क्या आपकी मैम आपको डांटेंगी? नहीं डांटेंगी। फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? अभी सुबह करूंगी। तुम तो रोज आजकल रोज बोल रहे हो सुबह, कल भी नहीं की आपने पढ़ाई? ठीक है आज करूंगी। कब करोगी? अभी तो 9:30 होने वाला है। अब करूंगी। कब करोगी? कब टाइम बताओ? टाइम रात को। रात को कब? नहीं सुबह। तनु आपकी मैम सुन रही है? सो अभी लद्दाख में काफ़ी एक्सट्रीम विंटर स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो गया है काफ़ी दिन से। बेसिकली इस बार विंटर थोड़ा सा जल्दी आ गया है। पिछली बार पहला जो स्नोफॉल हुआ था वो हुआ था नवंबर में 24th को, लेकिन इस बार अक्टूबर में ही स्नोफॉल भी हो गया। और अभी कैंपस में वाटर सप्लाई जो रनिंग वाटर है पाइपलाइन के थ्रू आता है घरों में तो वो बंद हो गया। अभी टैंकर के थ्रू बाहर हम लोगों ने वाटर टैंक रखे हैं, वहाँ से पानी मिलता है। सुबह सुबह इतना ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, बाहर जाओ पहले और उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा हाल होगा कि टंकी में लगभग 6 इंच मोटी एक लेयर बर्फ की बन जाती है। तो सुबह सुबह से एक मेहनत का काम, माइनस का टेम्परेचर एक पहला काम होता है, पहले जाओ उस बर्फ़ को तोड़ो और उसके बाद पानी निकालो। तो वो समय अभी आ गया है लगभग, क्योंकि वाटर सप्लाई, रनिंग वाटर सप्लाई बंद हो गई है कैंपस में। सो हम लोगों को बाहर से ही पानी लेके आना है। फिलहाल सिंगे सो गए हैं, बच्चे अभी जाग रहे हैं, इनका भी सोने का टाइम हो रहा है। सो बच्चों की इस बार अभी तक तो यहाँ भाई मौज चल रही है।
सारे स्कूल बंद चल रहे हैं और कोविड कब तक क्या चलेगा ये कुछ पता नहीं है। ये हमारी शैलजा बैठी हैं। सो शाम के टाइम तो बस घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता, और घर में भी रहते हैं तो बस लगता है कि रजाई के अंदर बैठे रहें। आने से पहले भी ऐसा सोच रहे थे कि भाई ले लद्दाख कैसी जगह है, कैसे लोग होंगे, कैसे सर्वाइवल का इशू होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, एक बढ़िया अच्छा खासा शहर है ले, और बहुत लोग अभी यहाँ आ भी चुके हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं, बेसिकली मतलब फैसिलिटी सारी हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है ऐसा। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है विंटर में, काफ़ी हार्श विंटर है, -30 -25 तक टेम्परेचर होता है। सो ऐसे में थोड़ा सा केयरफुल होना होता है कि सुबह और शाम की जो सर्दी है वो बच्चों को उससे बचाना, और साथ में जो गर्म कपड़े हैं वो काफ़ी लेयर्स में हम लोगों को पहनने होते हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं अभी कैंपस में। सो चलिए मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।